क्वेश्चन नंबर थ्री है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट। यहाँ पर भी परसेंट निकालना है, विच इज कलर्ड, जो कलर्ड है उनका परसेंट पार्ट निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो एक सर्कल के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, चार, ठीक है। यहाँ पर एक कलर्ड पार्ट है, यहाँ पर टोटल पार्ट्स बना रखे हैं और उसके कलर्ड पार्ट बना रखे हैं, यहाँ पर भी टोटल पार्ट्स बना रखे हैं और कलर्ड पार्ट बना रखे हैं। तो पहले हम कलर्ड पार्ट लिखेंगे और टोटल नंबर लिखेंगे। तो मैंने फिगर्स ड्रॉ कर ली हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर कलर्ड पार्ट आप लिखोगे पहले, कलर्ड पार्ट, ठीक है। कितने कलर्ड पार्ट है, वन, और इसके कितने पार्ट्स हैं जो बन सकते हैं, जो बनते हैं एक्चुअल में, फोर। टोटल नंबर नीचे आता है, कलर्ड पार्ट ऊपर आ जाता है। यहां पर भी कलर्ड पार्ट लिख लो, कलर्ड पार्ट। अब यहां पर ऑलरेडी दे रखे हैं, वन टू थ्री फोर और फाइव, टोटल तो हो गए फाइव जो नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, और कलर्ड कितने हैं, थ्री, ठीक है। थर्ड फिगर में देखो कलर्ड पार्ट और वन टू थ्री तो कलर्ड पार्ट है, और टोटल नंबर आ जाएंगे नीचे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा कलर्ड पार्ट, ठीक है। अब कलर्ड पार्ट के हम बाद निकालेंगे परसेंट। तो परसेंट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। अब तो आपको याद हो गया होगा परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करते हैं, थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट, परसेंट के लिए परसेंट इज इक्वल टू थ्री अपॉन एट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए देखो इसमें जब डिवाइड करेंगे इसको, तो फोर को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे, तो फोर वन द फोर, फोर ट्वेंटी फाइव द हंड्रेड, तो यहां पर मेरा सीधा सीधा परसेंट आ जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइव वन द फाइव, फाइव ट्वेंटी द हंड्रेड, और थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट, तो आ जाएगा सिक्सटी परसेंट आंसर, ठीक है। यहां पर आप जब डिवाइड करोगे तो फोर टू द एट, और फोर टू द एट, फोर फाइव द ट्वेंटी, तो थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव अपॉन टू परसेंट, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव थ्री द फिफ्टीन, वन कैरी, थ्री टू द सिक्स वन सेवन अपॉन सेवेंटी फाइव अपॉन टू परसेंट, और इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है, फाइंड 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर, 20% ऑफ 2500 और 75% ऑफ 1 केजी। अब मेरी बात एक याद रखो, जब भी परसेंट दिया हो ना, इसका मतलब वहां से परसेंट हटाना है, ठीक है। तो जब परसेंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक। तो इसके पार्ट को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है 15% ऑफ 250। अब सीधा सीधा मैं आपको समझाती हूं, परसेंट लगा है मतलब परसेंट हटाना है, तो 50 अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 250 को 250 लिख दो, बस सॉल्व हो गया। अब इसको कट कर दो जहां से कट होता है, देखो जीरो से जीरो गया, ठीक, फाइव टू द टेन, फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव, अब नहीं कटेगा किसी से, तो 15 इंटू फाइव अपॉन टू, ठीक है। अब यहां परसेंट नहीं लगाना, उन्होंने नहीं बोला कि परसेंट लगाओ, ठीक है। अब फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव अपॉन टू, अब परसेंट नहीं लगाना, ठीक है। और यहां पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5 आंसर। परसेंट नहीं लगाना क्योंकि परसेंट हमें नहीं निकालना, ठीक है। बी पार्ट देखो, 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में क्या क्या होता है, देखो 1 आवर में क्या क्या होता है, एक तो मिनट्स होते हैं और एक
सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। मिनट्स कितने होते हैं 60 और सेकेंड्स कितने होते हैं 60, तो 1 आवर पूरा ऐसे बनता है आवर्स और मिनट्स को मिलाकर, ठीक है। अब जो है आप 1 आवर को इस तरह से लिखोगे 60 मिनट्स और 60 सेकेंड, ठीक है। 1 आवर की जगह आपको ये लिखना है, परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, 1/100 into 60 into 60। 0 से 0 कट गया, 2 5 the 10, 2 3 the 6, अब 5 1 the 5 5 1 the 5 और 5 1 the 5 5 2 the 10, क्या बचा 3 multiply by 12, तो कितना हो जाएगा 36 seconds, ठीक है। अब सी पार्ट करो, सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट है 20% ऑफ ₹2500। तो इसमें तो प्रॉपर डिजिट दे रखा है हमें, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 20 का परसेंट हटाएंगे तो 20/100 हो जाएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई और 2500। अब यहां पर देखो, ये जीरो कटी और ये जीरो कट गई, तो 2 multiply 250, ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 200 2 5 the 10, 2 2 the 4 1 5, ₹500, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं डी पार्ट कर दूं, तो डी पार्ट देखो क्या बोलता है, 75% ऑफ 1 kg। अब देखो केजी के अंदर क्या आता है, खाली ग्राम्स आता है, ठीक है। तो कितने ग्राम्स आता है, 1000 ग्राम्स आता है, ठीक है। तो यहां पर जो है अब 75/100 इसका परसेंट हटा देंगे और इज इक्वल टू 1 kg कितने हो जाते हैं, 1000 ग्राम। तो यहां पर मैं लिखूंगी 1000 ग्राम। 20 से 20 कट गई, 75 multiply by 10, तो आंसर कितना आ गया, 750 ग्राम, ठीक है। अब 750 ग्राम है, इसको अगर किलोग्राम में मुझे चेंज करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, इसको 750 को मैं ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, और 3 जीरोज है नीचे, ठीक है। जब 3 जीरोज होंगी मेरी नीचे तो मेरे को 3 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, 0.5 7 किलोग्राम। तो आप ये भी आंसर निकाल सकते हो ग्राम में और ये भी आंसर निकाल सकते हो, तो इसमें आप में वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये निकाला है तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो।